सभी साथियों को नमस्कार। जैसे आज जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने एक ग्रुप में मैसेज भेजा था कि आप कागज और पेन लेके साथ में बैठेंगे, क्योंकि आज का अपना विषय जो है वो है सिंगुलर प्लुरल, मतलब एक वचन बहुवचन, और उसके बाद दूसरा सेशन चालू होगा जो होगा एम इज और आर के होगा। ठीक है, तो अभी तो इसमें हम सेशन जो शुरू करेंगे एक वचन और बहुवचन। हमेशा बच्चों को ये तकलीफ या कॉम्प्लिकेशन या परेशानी होती है हमेशा कि एक अगर हो तो हम क्या बोलेंगे, बहुत सारे हो तो हम कैसे बोलेंगे। हिंदी में हम तो हमेशा बात कर सकते हैं, जैसे गाय है, भैंस है, आदमी है, बच्चा है, बच्चे है, एक आदमी है, बहुत सारे आदमी है। अब जैसे अभी मैंने आपको छोटा सा उदाहरण दिया, बच्चा है तो बच्चे का बहुवचन तो हमने बच्चे कर दिया, लेकिन जब एक आदमी है और बहुत सारे भी आदमी ही हैं, तो आदमी का आदमी यो या आदमी ये ऐसा क्यों नहीं हुआ। अब ये सेम सिचुएशन इंग्लिश में भी हमेशा हमें पाई जाती है, और ये इसके कुछ रूल्स हैं, इसके कुछ जानकारियां हैं जो मैं आपसे धीरे धीरे बताऊंगा। और मैं चाहूंगा कि ये सारी जानकारी आप किसी कागज पर लिख के भी रखें और आपको बच्चों को समझाने में बताने में इसमें ज्यादा आसानी हो और बच्चों को इन चीजों के बारे में समझा पाए। तो अभी जब हम इस सेशन की शुरुआत करेंगे तो आज के सेशन का सबसे महत्वपूर्ण चीज ये होगी कि जिस तरीके से हमेशा हम एक्टिविटी करके या किसी भी चीजों के माध्यम से, किसी भी वस्तुओं के माध्यम से हम बच्चों को समझा पाए। इसके पहले के सेशन में भी मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई थी और जानकारी दी थी, तो हमेशा मैं ये कोशिश करूंगा कि आप कुछ चीजों को, कुछ वस्तुओं को अपने सामने रखे, जैसे पेन है, पेंसिल्स हैं, या चौक है, या जो भी मतलब चीजें आपके पास उपलब्ध हो, बुक है, कॉपियां है, तो ये चीजें जब बच्चों के सामने जब हम रखेंगे उसके बाद हम बच्चों को ये चीजें समझाने की धीरे धीरे कोशिश करेंगे छोटी छोटी चीजों के अनुसार। तो अब जैसे पिछली बार भी मैं हमेशा आपको वर्कशीट लेते आया हूँ, अब की बार भी मैं आपको वर्कशीट दूंगा, वर्कशीट दिखाऊंगा भी। देखिए ये वर्कशीट दिखाने के साथ साथ कुछ चीजों को आपको बच्चों को समझाना बहुत जरूरी हो। तो अभी हम इन चीजों के बारे में धीरे धीरे शुरुआत करते हैं और इसके जो रूल रेगुलेशन है वो भी मैं आपको बताते जाऊंगा। अब सेशन शुरू करने के सेशन शुरू करने के पहले कुछ चीजें मैं आपके सामने अभी बता देता हूँ। एक आपको ब्लैकबोर्ड और चॉक का यूज करना है, साथ साथ में आप वस्तुओं का भी यूज करना, ठीक है। तो चीजें आप देखते जाएंगे, मैं आपको कैसे बता रहा हूँ, ठीक है। अब एक शीट आपके सामने रखी है, तो यहाँ पे हमने कुछ पिक्चर्स बनाए हैं। नेम दी पिक्चर्स यूज प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। बॉक्स में मैंने कुछ शब्द लिखे हुए हैं, डॉग है, मग है, क्लास है, बमामा है, मैंगो है, ट्री है, वॉच, कार, ब्रश और रैट, मतलब चूहा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने साथ में इसके अंग भी लिखे हुए, 6 है, 5 है, 3 है, 2 है, 4 है, 8 है, 7, 6, 3, 4, इस तरीके से। अब जब आप यहाँ देखेंगे तो शुरुआत है मैंगो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 मैंगो। अब हम शुरुआत इस तरीके से करेंगे कि बच्चे को इसमें जैसे इन्होंने बताया है वैसे हम नहीं करेंगे। मैं आपको इसमें एक और स्टेप जोड़ने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिलहाल लिखेंगे 6 मैंगो, ठीक है, 5 रैट, 2 कप, 3 ब्रश, 2
चौबीस बनाना फोर थ्री सेवन वॉच एट क्लास, इस तरीके से हम यहाँ बैठे। अब होता क्या है यहाँ पे, जैसे डॉग है, क्लास है, मैंगो है, वॉच ब्रश है, मग है, ब्रह्म की कार है, इनकी जब प्लूरल हम खोजने जाते हैं। अब मैं कुछ सिंबल सिर्फ चीजें बताऊंगा, मैं चाहूंगा कि आपको एक सेकंड का समय देता हूँ, आप कागज और पेन अपने हाथ में लेके रखेंगे, ठीक है जी। अब ये रूल्स पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद में आपको जो भी शब्द सी एच एस एच ओ एस डबल एस एक्स और झेड से खत्म होते हैं, आप इसको लिख के रखेंगे, मैं आपके सामने फिर से रख रहा हूं, सी एच एस एच ओ एस डबल एस एक्स और झेड, इन शब्दों से जो शब्द खत्म होते हैं उसका जब प्लूरल करना है, मतलब जब बहुवचन करना है, तो उसके आगे ई एस लगता है, ठीक है। मैं इसके एग्जाम्पल देता हूं, लिख लिया आपने, मैं फिर से रिपीट करता हूं, सी एच एस एच ओ एस डबल एस एक्स और जेड, ये जिन जिन शब्दों के अंत में आते हैं उसके आगे हम एस लगाते हैं और बाकी इसके सामने हम लोग एस लगा के उसका प्लूरल करते हैं। अब जैसे मैंगो, देखिए अब मैं आपको इस चीज समझ में आ जाए, डॉग का जब प्लूरल बनेगा तो ये डॉग्स होगा, एस हो जाएगा, ठीक है। मग, मग का भी एस लग जाएगा, ये प्लूरल हो जाएगा। क्लास, एस लगाओगे क्लास हो जाएगा। बनाना, एस लगाओगे बनाना हो जाएगा। लेकिन मैंगो, देखिए जो छह शब्द मैंने आपको बताए उसमें ओ भी है, तो ये होगा मैंगो, ठीक है। ट्री, ट्री का ट्रीज हो जाएगा, एस लग जाएगा। डब्ल्यू ए टी सी एच, देखिए सी एच मैंने बताया था आपको, सी एच के आगे ई एस लगता है, ठीक है। कार, कार के आगे एस आ जाएगा। ब्रश, एस एच है तो इसके आगे भी ई एस लग जाएगा। राइट, राइट के आगे एस आ जाएगा। बात सबको समझ में आ गई या कोई कंफ्यूजन है तो अभी भी एक बार मैं से पूछ सकते हैं, प्लीज। मैं आपको समझ रहा हूँ, कोई भी सवाल है फिर से पूछिए, मैं बता दें। बिल्कुल सर, काफी क्लियर है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें सबको नोट करके रखना पड़ेगा और उसको प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा, तो उससे क्लियर रहेगा। वो कहीं पे नोट करके सब लोग अपने डायरी में रख लेंगे, आगे भी जब बच्चों के साथ प्रयोग करेंगे तो काम आएगा, और कहाँ ईएस लगाना है और कहाँ एस लगाना है। और फिर भी हाँ, फिर भी एक बार अगर रिपीट होगा तो सर मतलब और अच्छा रहेगा, जो एक दो लोग बाद में जुड़े उनको मिल जाएगा। बिल्कुल, नॉर्मल तरीके में बहुवचन करने के लिए हमें शब्दों के पीछे एस ल
निकालने से उसका बहुवचन हो जाता है। जैसे डॉग का डॉग्स होता है, मग का मग्स होता है, कार का कार्स होता है। लेकिन ऐसे शब्द जिसके अंत में सी एच एस एच ओ एस डबल एस एक्स और झेड ये जब आते हैं तो इसके अंत में उसको ई एस लगाया जाता है। मैं आपको एग्जाम्पल भी दे देता हूँ, जैसे डिश है जी आई एस एच तो एस एच लग गया, जिब्रश है तो यहाँ पे ई एस लग जाएगा, वॉच है तो ई एस लग जाएगा, मैंगो है ओ आया तो ये ई एस लग जाएगा। इस तरीके से बाकी इसमें हम एस लगा के इसका प्लूरल कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आगे बताऊं, जब हमने ये बता दिया, अब हम इसी चीज को वापस बच्चों को सामने रखेंगे क्योंकि उनको ये समझने में आसानी होगा। जैसे सिक्स मैंगोज, फाइव रैट्स, थ्री ब्लशेस क्योंकि ई एस लग जाएगा, टू बनामा, फोर ट्वीज, एट क्लास, सेवन वॉचेस क्योंकि सी एच है ना तो यहाँ पे ई एस लग जाएगा, थ्री डॉग, फोर कार्स, इस तरीके से। तो ये सिंगुलर प्लूरल का एक सिस्टम हो गया। अब इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे आपकी मेन जो भी मैंने आपको बताया ना वो चीज आपको समझाने में आसानी हो। इसमें आपको देखना है कि एस कहाँ पे लगेगा और ई एस कहाँ पे लगेगा। अब आप मुझे बता दे जाए, जैसे क्लॉग है यहाँ पे एस आ जाएगा, टॉय यहाँ पे एस आ जाएगा, कैमल एस आ जाएगा, बुश एस एच है यहाँ पे ई एस आएगा, बेंच ई एस आएगा, फॉक्स अब फॉक्स में ई एस आएगा, पोटैटो एस, ड्रेस डबल एस है ना यहाँ पे ई एस आ जाएगा, बैक के एस, बस के में भी एस ई एस आएगा क्योंकि लास्ट में एस मैंने बताया था, ये बसेस ई एस यहाँ आ जाएगा। तो ये जब चीज आप बच्चों से करवाएंगे तब आपको इन चीजों में ज्यादा समझाने में आसानी हो जाएगी। अब होता क्या है वो पूरी यहाँ पर आपको चीजें समझ में आ गई होंगी ऐसी मैं आशा, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, चाहे तो इसको क्लॉग एस 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 ई एस क्योंकि एस एच है ना, बेन सी एच है यहाँ पे भी ई एस आया, फॉक ई एस जो फॉक है, तो है, वो चाहे तो वो भी अपने लिस्ट में था, डबल एस है, बैग में एस आएगा, बसेस में ई एस। अब क्या होता है, ये उसी का अग्नि कड़ी है जिसमें आपको बच्चों को ई एस वाले शब्द समझाने, ये मैं आपके सामने रख रहा हूं लेकिन मैं इसका सोल्यूशन आपको नहीं दूंगा, ये आपको खोज के निकालना होगा। जैसे राजेश एस या ई एस ये आप खोजेंगे और ये आप मुझे एज अ होमवर्क करके दे देंगे। एस एक्स आया अंत में तो ये ई एस के इसमें जाए, बफेलो ओ
W नहीं, सी एच आ गया तो ये भी ई एस, बर्ड एस, मैट सी एच आ गया ये एस, पेंसिल पेंसिल एस, तो मैं तो वो आ गया ये ई एस में चला गया, ठीक है। हॉपफुली यहाँ तक आपको कोई परेशानी ना हो ऐसी में आशा। अब आपको इसमें खोज के निकालना है कि सही जवाब क्या है। देखिए अब मैं नहीं चाहूंगा कि मैं आपकी कोई मदद करूं, ठीक है, जैसे मैं आपको दिखा दूंगा आपको अपना जवाब खुद खोजना है, मैं आपकी हेल्प नहीं। करेक्ट प्लूरल गिवन, मैं आपको दो वर्ड दे दिया, अब इन चार में से कौन सा सही है ये आप खोज के मुझे बताओगे, मैं आपको, या आप ये वर्कशीट करके ग्रुप में भेजिए या मुझे पर्सनली भेजिए। इसको सर चैट बॉक्स में हम लोग कोशिश करके देखें, अगर एक बार साथ में करने का अगर आपकी परमिशन हो। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर इसमें मैं निवेदन करूंगा कि सारे साथी इसमें आप देखते चलें, क्वेश्चन नंबर लिखे 1 और उसका सही जो प्लूरल आपको लगता है वो आप लिख दें, चैट बॉक्स में टाइप कर दें, तो इससे हमें पता चलेगा कि हम लोग कितना समझ रहे हैं। मैं भी करने जा रहा हूँ, तो सभी साथी इसमें चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर लिखिए 1 और डोर का जो प्लूरल होगा वो सिर्फ लिख दीजिए, 1 का जो आंसर होगा वो आंसर खाली लिख दीजिए, फिर 2 लिखिए, 2 का आंसर लिख दीजिए, देखते हैं हम लोग कितनी जल्दी इसको करते हैं। सभी साथी प्लीज। कृपया आप लोग सही गलत सोच के नहीं हिचकिचाएं, आप लोग यहाँ प्रयास करें और खुलकर लिखें, अगर लिखने में कठिनाई हो तो फिर बोल भी सकते हैं कि 1 का आंसर ये होगा। स्क्रीन नहीं दिख रहा है सर। अच्छा एक सेकंड। हाँ सर आपके बोलते रहने पे ही स्क्रीन दिखेगा सचिन सर, नहीं तो हम बोलेंगे तो नहीं दिखेगा। अच्छा नहीं कोई बात नहीं, तो अभी अभी दिख रहा है। हेलो अभी दिख रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश करें अपने जवाब देने की। जब हम ऐसा कर सकते हैं मैं आपको शब्द बोल देता हूँ, आप उसका मुझे प्योर 1 by 1 करके बताएंगे तो भी चलेगा, ये भी आसान तरीका होगा अपने लिए। ओके एक का आंसर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 2, टू है बंच, BUNCH, BUNCH का यस आएगा सर, यस आएगा। ओके क्यों आएगा, क्योंकि SHS है लास्ट में, इसीलिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही, तीसरा जो है टाइगर, टाइगर का जवाब देखिए, एस टाइगर, एस आएगा, ठीक है बिल्कुल सही है। चौथा अंकल, हाँ बिल्कुल सही, टाइगर का जवाब सही आया है। चौथा अंकल,
सर अंकल ही आएगा उसका। अंकल ही आएगा, क्यों आएगा, कोई बचा पाएगा इसमें? पांचवा पांचवा जो है बस, बस का क्या होगा? बिल्कुल दानसिंह जी, बिल्कुल सही जवाब है। पांचवा बस, बस का बसेस, वाओ गुड, यस। तो अंत में इसके एस है, यस बिल्कुल। यू का जवाब क्या आएगा? नंबर, यस रूप, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है। सातवां जो है बॉय, यस सातवां जो है बॉय, बॉय जाएगा, बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही। आठवां ईयर, एस एस बिल्कुल बिल्कुल। नौवां बी, बी डबल ई, यस बिल्कुल सही, यस। नौवां जो है बी डबल ई, यस राइट। एंड दसवां शूज, एस एच ओ ई, दसवें का आंसर आएगा एस एच ओ ई एस शूज, बिल्कुल सही, परफेक्ट परफेक्ट। तो मतलब अभी हम, यस नानसी जी बिल्कुल सही जवाब है आपका, एस एच ओ एस, यस। अभी जब हमने ये एक्टिविटी की तब आपको बहुत सारी चीजें साफ हो गई, क्योंकि बीच में जो आने वाले शब्द है जैसे सी एच है या एस है या ई एस है, वाई है, यहाँ इसके साथ साथ मैं आपको और कुछ रूल्स अभी देता हूँ जो आप ज्यादा आसानी से समझ में आ जाए। अब ये एक एक्टिविटी मैं आपके सामने एक और रख रहा हूँ, ये जो है ध्यान से देखिए इस पेज को, इस प्लूरल फॉर्म में एक में करके दिया। अब ये जो सेंटेंस है ये गलत है, ये अभी भी मैं बता देता हूँ, और ये गलत सेंटेंस को आपको सही करके मुझे में। जैसे आई हैव वन बाइसिकल्स, तो गलत है क्योंकि ये एस नहीं चाहिए, तो मैं लिखूंगा आई हैव वन बाइसिकल। इसको आप चेंज करके ये वन की जगह पे आप टू भी लिख सकते हो, आई हैव थ्री, तो बाइसिकल्स हो जाए। I take bags. तो वो चूज, क्या सही है? नहीं, ये गलत है, यहाँ पे S नहीं चाहिए। I ate two mango today. क्या सेंटेंस सही है? नहीं, तो क्या होना चाहिए? जब टू बोल दिया गया है तो मैंगो की जगह मैंगोज, तो ओ है तो एस आएगा, तो एस आएगा, ये आप सोचोगे राइट? यस देयर आर मेनी वुडन इन माय क्लास, राइट? जब मैं मेनी बोल रहा हूँ मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स, I have two crayons. तो क्रेयॉन मतलब जो चॉक करते हैं कलर करने वाले, वो जब टू बोल दिया तो यहाँ
ये प्रैक्टिस अब बच्चों से करवाएंगे. माई मदर गेट टू गेट अ टॉप इज फॉल. जब गेट बात अ बोला है तो यहाँ पे एक ही है, यहाँ पे टॉफी नहीं आएगा, सिर्फ टॉफी. दिस इज नाइस पिक्चर्स, नहीं पिक्चर. देयर आर मेनी रोजेस इन माय राइट. तो ये एक्टिविटी जब आप बच्चों से कराएंगे तब बच्चे इन सिंगुलर प्लुरल को अच्छे तरीके से समझ पाए. अभी सिंगुलर प्लुरल के बारे में आपको और कुछ रूल्स बता देता हूँ जो आपको लिख के रखने हैं. जैसे अभी हमने बताया था आपको सी एच एस एच ओ एस डबल एस एक्स और जेड जो अंत में आते हैं, तो इसके बहुवचन में हम लोग ई एस लगाते हैं. वैसे ही जिन ये लिख के रखिए, जिन शब्दों के अंत में वाई आता है वाई, उसके बहुवचन होने समय उसके अंत में आई एस लगता है. देखिए मैं आपको फिर से बता रहा हूं, जो मैं लिख के रखा हूं आपको समझ में शायद नहीं आए. जिसके अंत में वाई आता है उसके बहुवचन होने समय उसके अंत में आई एस लगता है. जैसे सिटी, तो ये बनेगा सिटीज, वाई निकल जाएगा और ये सिटीज हो जाएगा. कंट्री, तो ये कंट्रीज हो जाएगा, इसमें वाई निकल जाएगा. तो ये एक और रूल है, आप इसको ध्यान पे समझिए. मैं फिर से बता देता हूँ, जिन शब्दों के अंत में वाई आता है उसके बहुवचन होने समय पे वाई को हटा के हम आई एस लगाते हैं. जैसे सिटी का सिटीज बनेगा, कंट्री का कंट्रीज बनेगा. ठीक है, अब ये एक रूल हो गया बहुवचन में जो अभी एक्सरसाइज में नहीं था. एक और रूल ऐसा है कि जिन शब्दों का अंत में एफ या एफ ई आता है, ध्यान से देखिए, जिसके अंत में एफ या एफ ई ये आता है तो वो रिप्लेस होता है वी ई एस से. ठीक है, वैसे रिपीट करता हूं, जिसके अंत में एफ या एफ ई आएगा तो वो चेंज होगा वी ई एस से. जैसे वाइफ, ये होगा वाइव आई वी ई एस. एफ ई गया, यहाँ पे देखिए एफ ई गया है और वी ई एस लगता है. लीव एल ई ए एफ, यहाँ पे एफ गया और वी ई एस लगता. समझ में आ गया, अभी भी कंफ्यूजन है तो मुझे बताइए, मैं जैसे शुरुआत फिर से शुरू करूंगा. ठीक है जी. जी सर, और एक बार रिपीट कर कीजिए. कौन सा करूं जी, अभी बताए ना वो वाला. अच्छा ठीक है, ये स्पेशल रूल सर, वाई वाला एफ वाला एफ ई वाला रिपीट कर दीजिए सर. जी जी सर, जिन शब्दों के अंत में वाई आता है, जिन शब्दों के अंत में वाई आता है उसका बहुवचन करने समय हम वाय को हटा के आई ई एस लगाते हैं. जहां पे वाय आ गया तो वाय को हटा के हमने क्या लगाया, आई ई एस. जैसे सिटी,
तो ये सी चीज हो जाएगा, टी आई ई एस। एक सेकंड, ये हो जाएगा सी टी, सी आई टी आई ई एस। पंचवी पंचवीज, यहाँ पे वाई हट जाएगा आपका और ये आई ई एस जुड़ जाएगा। पंचवी सेम, वाई हट जाएगा, आई ई एस लग जाएगा। ठीक है, सेम प्रोसेस। जो शब्द अंत में एफ या एफ ई आता है, इसमें एफ और एफ ई आया, तो वो भी एफ हट जाएगा और वी ई एस लग जाएगा। जैसे वाइफ, एफ ई आया तो एफ ई हट जाएगा और लग जाएगा वी ई एस। लीफ, एल ई ए एफ, तो एफ हट जाएगा और वी ई एस लग जाएगा। यहाँ से समझ में आया? अभी भी दुविधा है तो मुझे प्लीज पूछिए। जी नहीं सर, जी हो गया, जी हो समझ गया? में आ गया जी। अब सर, अब एक मिनट बाकी है, एक मिनट में सेशन कटेगा, सभी साथी वापस लिंक पे क्लिक करके जुड़ेंगे। बिल्कुल, अगर कोई सवाल है या कोई पूछना है, कोई बताना है तो बताइए, हम थोड़ा कोशिश करें। हाँ जी सर, नहीं सभी जुड़ गए, हम सौ रुपये से। हाँ सर, हम बढ़ सकते हैं सर। हाँ, अभी हमने दो इम्पोर्टेंट चीजें देखी। एक तो अंत में जब वाय आता है तो वाय का उच्चारण हम कैसे करते हैं, वाय के साथ वाय को हटा के आई ई एस हम वहां पे लगा देते हैं। दूसरा, मैंने आपको अभी बताया था कि जिसके शब्दों के अंत में एफ या एफ ई आता है तो वहां पे भी एफ ओ या एफ ई को हटा के हम लगाते हैं वी ई एस। तो वी ई एस मतलब ये वाइफ का वाइज हो जाएगा या लीव का लीव हो जाएगा, इस तरीके से। अभी मैं आपको कुछ शब्द ऐसे दूंगा, ये शब्द आप ध्यान से लिख के रखिएगा। ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, मतलब मेरा निजी अनुभव है, थोड़ा सा मैं आपके साझा करूंगा। अगर हम किसी की पक्की इंग्लिश या कच्ची इंग्लिश खोजने की कोशिश करेंगे तो ये शब्द आपको बहुत काम देगा। ध्यान से देखिए, क्यों? कुछ ऐसे शब्द हैं जिसका बहुवचन नहीं होता, वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। उदाहरण के तौर पे हेयर, एच ए आई आर, बाल, इसका बहुवचन हेयर्स नहीं होता। देख रखिए, एक भी बाल और बहुत सारे भी बाल, हेयर का हेयर्स कभी नहीं होता। और अगर किसी ने हेयर्स बोल दिया, समझ लेना उसका इंग्लिश कच्चा है। शिप, एस एच डबल ई पी, शिप, वो ही रहती है। बेल, बेल एक हो या पचास हो, वो बेल ही रहेगी, वो बेल कभी चेंज नहीं होती, शिप शिप ही रहेगी। जीयर, जी डबल ई आर, हिरन, एक ही है, जीयर्स नहीं होता, गलती से भी जे को जीएस नहीं बोलिएगा। ठीक है, बायसन, बी आई एस ओ एन, इसकी होता बायसन नहीं होता। हाँ, उसमें एपोस्ट्रॉफी एस लग सकता है, लेकिन जैसे हेयर है तो हेयर्स, वो एपोस्ट्रॉफी एस लगेगा, उसका मतलब हुआ बालों का, बालों का कलर, बालों का ऑयल, जो भी है। लेकिन हेयर का हेयर बहुवचन नहीं होता। ठीक है, ये एक चीज है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया कि
जब अंत में वाय होता है तो हम उसको आई एस लगाते हैं, ठीक है। दो शब्द ऐसे हैं जिसके अंत में वाय होता है लेकिन आई एस नहीं लगता, सिर्फ दो ही शब्द है। कोई बताएगा कौन से दो शब्द है? अंत में वाय है लेकिन बहुवचन में आई एस नहीं लगेगा, पूरे इंग्लिश में दो ही शब्द है ऐसे। कोई गेस कर पाएगा कौन से दो शब्द है? मैं बताने के बाद ये नहीं बोलना कैसे, ये तो हमें पता था। पता हो सकता है सर लेकिन अभी याद नहीं आ रहा है। मंकी और डोंकी, ये दो शब्दों के अंत में वाय है लेकिन इसका बहुवचन आई एस नहीं होता, इसका बहुवचन सिर्फ एस लग जाता है, मंकीज एंड डोंकी। इसके बहुवचन में आई एस नहीं लगता, ध्यान से चीजें से समझिए। ये बहुत छोटी छोटी महीन बारीक चीजें हैं लेकिन ये बहुत कारगर साबित होती है। आप किसी भी आदमी का इंग्लिश जज करने के लिए ये दो चार सवाल पूछ लीजिए, आपको उसके इंग्लिश का लेवल समझ में आसानी से आ जाए। अब तो ये थोड़ा सा सर हाँ। थोड़ा पहले वाला रिपीट कीजिए ना। कौन सा वाला? जो आप बता रहे थे कि एस नहीं लगता है जिसमें, जैसे हेयर बताया आप। अच्छा हाँ हाँ ठीक है जी। शिप, एस एच डबल ई पी, शिप का बहुवचन वही होता है, वो चेंज नहीं होता। हेयर, एच ए आई आर, इसका बहुवचन नहीं होता, वो वही है। डियर, जी डबल ई आर, डियर, इसका बहुवचन नहीं होता, ये मैसेज है, इसमें बदलाव कभी नहीं है। और ये शब्द है बायसन, बायसन गेंदा, इसका बहुवचन नहीं होता, ये वैसे का वैसे, ठीक है। तो ये कुछ शब्द है, और भी अगर आपको मिलते हैं तो आप खोजिए, नहीं मिलते हैं मैं आपको और दो चार शब्द दूंगा। सर ये चार ही चीजें हैं कि इसमें और भी शब्द आएंगे? है 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 और है, और ये आप खोजेंगे। जी जी, मैं अगले संडे को वो दो चार जो बचे होंगे वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप अगर खोज के बताएंगे तो मुझे ज्यादा खुशी होगी, ठीक है जी सर। उतना आप मेरे कीजिए, उतना थोड़ा सा आप प्रयास कीजिए ताकि आपको आसानी हो जाए, बिल्कुल जी सर। अब इसमें एक और चीज है, बहुवचन। कुछ बहुवचन ऐसे हैं जिसके एस या ई एस या वी ई एस पी एस नहीं लगता, तो क्या होता है? उन शब्दों का एक अक्षर बदल जाता, बस। जैसे मैन, एम ए एन, बहुवचन क्या हुआ? एम ई एम। वुमन, महिला, डब्ल्यू ओ एम ए एन, बहुत सारी वुमन, एम ई एन। डॉग, टी डबल ओ सी एच, ठीक है। बहुवचन क्या हुआ? टी डबल ई जी एच, जो डबल ओ था उसके बदले में क्या हुआ? डबल ई हो, समझ गए। मैन का मैन हुआ, टूट का टूट। अब इसमें भी और शब्द है, वो आप खोजेंगे, मैं आपको नहीं बताऊंगा, या अगले संडे में बताऊंगा, अभी नहीं बता। यहाँ पे अपना एक वचन बहुवचन का सेशन खत्म।
आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, अपने डाउट पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई चीज चाहते हैं कि मैं उसे रिपीट करूं, तो वो भी रिपीट कर सकता हूं, कोई आपत्ति नहीं है। अब आपके तरफ से शुभ आपको शुरू कीजिए। इसमें सर सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगा कि ये आपने पूरा एक वचन बहुवचन का एक पैटर्न बताया, जिसके हिसाब से अभी नए सिरे से लोग अगर शब्दों को देखेंगे तो उसमें बहुत सारा चीज क्लियर होता चलेगा। जैसे मैन का कैसे मैन हो गया, वुमन का वुमन हो गया, तो इस तरह से आपने मंकी का मंकीज हो गया तो उसमें आई एस नहीं लगा, तो कितनी सारी देखने वाली चीजें सर ने बताई हैं। तो सारे नोट्स अगर हम ढंग से बना लेंगे तो हमें आगे बहुत मदद करेगा। इसके अलावा नोट्स में कृपया चूकिएगा मत। इसके अलावा जो भी कुछ किसी को पूछना हो तो सर हमारे साथ हैं, आप सवाल पूछ लीजिए। अगर सवाल नहीं पूछते हैं तो मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग सभी लोग सर के लिए एक एक चार्ट बनाइए, और जितने तरह के रूल सर ने बताए हर रूल पे कम से कम 5-5 उसमें उदाहरण सिंगुलर और प्लूरल लिख दीजिए। तो इतना करेंगे तो एक बड़ा मजेदार एक्सरसाइज भी हो जाएगा सर। बिल्कुल। ऐसा कोई पॉइंट है जो आप चाहते हैं कि मैं आपको कैसे बताऊं या कैसे समझाऊं, तो वो भी कीजिए। क्योंकि अभी बात यह हुई, जब सेशन में आपसे भी वो चीज निवेदन करना चाहूंगा, उनके सेशन में जो मैंने आपसे बात की थी कि जो टॉपिक मुझे आज कवर करने थे सिंगुलर और प्लूरल, तो और दूसरा टॉपिक था एम इज और आर, जो हमने डिस्कस किया था, लेकिन एम इज आर अभी मैं शुरू नहीं कर पाऊंगा, मुझे उतना समय नहीं है और आप लोगों की लिंक टूट जाएगी, तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप मुझे अनुमति दें कि एम इज आर को हम अगले सेशन में नहीं। बिल्कुल सर, आज जो सेशन हुआ बहुत ही मीनिंगफुल हुआ है और इसका लोग समझेंगे और लाभ उठाएंगे, और एम इज आर हम अगले सत्र में करेंगे, और अगले सत्र में भी थोड़ा सा हम इसको सिंगुलर प्लूरल को फिर से रिवाइज भी करेंगे सर, तो उससे क्या होगा कि दिमाग में लोगों के क्लियर स्थापित होता चलेगा। तो लेकिन हाँ, एक दो सवाल कुछ फीडबैक कुछ भी साथियों से मिल जाए तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल सर। संतोष जी अपना कुछ फीडबैक। अच्छा, आज का सेशन बहुत अच्छा रहा सर, अच्छा सीखने को मिला, और इसमें जैसे जिसका बहुवचन उसको और सर आज या फिर अगले संडे और दोहरा दे तो अच्छा रहेगा, रिपीट हो जाएगा जैसे सिर्फ बताया और कुछ बीच में और मैं हल्ला कर नहीं सुन पाया था तो अच्छा। वो हो जाए। हाँ, बाकी तो बहुत अच्छा रहा और बहुत अच्छा सीखने को मिला आज। बिल्कुल सर, सीखने को तो बहुत मिला। इसकी रिकॉर्डिंग भी हम आप लोग को डाल देंगे, आप लोग देख सकते हैं, वहां भी दोहरा सकते हैं, और सर अगली बार रिपीट भी करेंगे। और निवेदन रहेगा कि एक चार्ट अगर आप लोग बनाएंगे ना, हर तरह के सिंगुलर से जो प्लूरल का जो रूल है उस पे 5-5, 10-10 उदाहरण डाल के, तो वो आपका नोट्स भी बन जाएगा और सबको अच्छे से सीखने को भी मिल जाएगा। तो मुझे लगता है इतना ही सर। हाँ, आज के लिए काफी है सचिन सर और संतोष सर, और मुझे लगता है कि इसके साथ हम लोग आज का सेशन समाप्त घोषित करते हैं और आपको ढेर सारा धन्यवाद देते हैं सचिन सर। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर, थैंक यू सर जी, सचिन सर थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत सीखने को मिल रहा है। आप लोगों का सहयोग हमें पैदा।